मेष राशि तिल गोचर कुंडली में चंद्रमा किस्मत के घर में होने से आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आज आप कुछ मामलों में भाग्यशाली भी हो सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे होने से सफलता मिल सकती है। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर ले, सब अपने आप हो जाएगा। मन में तरह तरह के सपने और कुछ गंभीर विचार भी आ सकते हैं। आप आगे बढ़ते रहे। लोगों से मुलाकात के दौरान कुछ नए अच्छे और रोचक अवसर भी आपको मिल सकते हैं। कठिन मामलों को भी आप सुलझा लेंगे। नेगेटिव आसपास के लोग किसी ना किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं। आज परिवार के कुछ लोग भी आपके कारण दुखी हो सकते हैं। किसी बात का अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर टेंशन भी हो सकती है, उसके कारण आपके दूसरे कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। क्या करें, गुलाब का फूल सूंघे। लव लाइफ में कुछ लोग रुकावटें डाल सकते हैं। पार्टनर पर शक ना करें, उलझने बात करके सुलझाने की कोशिश करें। करियर बिजनेस में कुछ नया करने के चक्कर में थोड़े परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को किस्मत का साथ मिलेगा, आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। हेल्थ सेहत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। ऑफिस की कोई पुरानी परेशानी खत्म होने के योग बन रहे हैं। किसी खबर का इंतजार है तो आज वो आपको मिल सकती है। अधिकारियों से सहयोग मिलने के योग है। जरूरी काम निपटाने की कोई योजना बन सकती है। योजना पर काम भी शुरू हो सकता है। साथ के लोगों की मदद भी मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे। जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव गोचर कुंडली के आठवें भाव में चंद्रमा होने से दुर्घटना और चोट का डर रहेगा। फालतू खर्चा बढ़ सकता है। आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है। बड़ा फैसला लेने में कंफ्यूज हो सकता है। अपने फैसले पर आपको पुनर्विचार भी करना पड़ सकता है। निजी जीवन और पैसों के मामले में कोई नया फैसला आज ना लें तो ही अच्छा है। किसी अनचाही घटना का संकेत भी मिलने की संभावना है। क्या करें, धनिया पाउडर और मिश्री मिलाकर खाएं। लव, आज पार्टनर के लिए समय निकालें। लगातार बढ़ती दूरियां भी संबंध बिगाड़ सकती है। पार्टनर को आपकी जरूरत महसूस होगी। करियर, आपके फैसले आपको कई बार नुकसान भी दे सकते हैं। वृष राशि के स्टूडेंट्स को दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। हेल्थ सेहत संबंधित सावधानी जरूर रखें। मिथुन पॉजिटिव, किसी काम के लिए एकदम नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ सकती है। जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। आज आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचाकर चलेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले संबंधित अनुभवी व्यक्ति से सलाह कर ले। दिशा में कोशिश करने से फायदा होगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। नेगेटिव, आज आप फालतू चिंता से बचें। खर्चे की स्थिति भी बन सकती है। मन में दबी कोई पुरानी बात आपको परेशान कर सकती है। ऐसी बातों को मन से निकालने की कोशिश करें जो आपको परेशान करती हैं। क्या करें, मंदिर में मिश्री चढ़ाएं। लव, पार्टनर के साथ वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पार्टनर की मदद से धन लाभ हो सकता है। करियर, नौकरी, पेशा और बिजनेस करने वाले लोग विरोधियों से बचने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए दिन इतना खास नहीं है जितना सोच रहे हैं। हेल्थ, आज आपकी सेहत भी थोड़ी ठीक रहेगी। पुराने रोगों में आराम भी मिलेगा। कर्क पॉजिटिव, अचानक धन लाभ हो सकता है। आज कामकाज में ज्यादा मेहनत भी हो सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में कोई फैसला लेने से पहले शांति से विचार करें। लव, पार्टनर के साथ समय बीतेगा। धैर्य रखना होगा, कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। महत्वपूर्ण मीटिंग आज कर लें, समस्याएं जल्दी ही खत्म हो सकती है। नेगेटिव दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, धन हानि का डर रहेगा। आर्थिक स्थिति भी सामान्य नहीं होने से मूड खराब रहेगा। रोजमर्रा के काम पूरे होने में कुछ परेशानियां और विवाद सामने आ सकते हैं। सोचे हुए काम आज शुरू नहीं करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कुछ अनबन भी हो सकती है। क्या करें, गुलकंद खाएं।
लव पुराने मामले फिर से सामने भी आ सकते हैं, पार्टनर से भी बस होने के योग बन रहे हैं, करियर नई बिजनेस डील होने की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है आपको किस्मत का साथ ना मिले और आप उसका फायदा ना उठा पाए। स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा, हेल्थ सेहत को लेकर आज आप सावधान ही रहे, दवाइयों और पुरानी बीमारियों को लेकर लापरवाही ना करें तो ही अच्छा है। उम्मीदें पूरी हो सकती है, पुराने कर्मों का अच्छा फल भी मिलेगा, अच्छे कामों पर ध्यान देंगे और उससे आपको खुशी मिल सकती है, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती होगी, आपको दूसरों की मदद का कोई मौका मिल सकता है, आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें, आज आप खुद से प्रेम करेंगे, अपने कामों का पूरा विश्लेषण भी करें, अपने सामान का ध्यान रखें, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। नेगेटिव सिंह राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा, महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है, आज किसी काम से संबंधित पूरी जानकारी नहीं मिलने से आप थोड़े परेशान भी रहेंगे, कोई अनजाना डर या टेंशन भी आप पर हावी हो सकती है, क्या करें, विष्णु भगवान के मंदिर पीला फूल चढ़ाएं। लव लाइफ में कोई गलतफहमी हो सकती है, किसी मामले में लापरवाही ना करें, पार्टनर से कोई बात ना छुपाएं, करियर समय का सदुपयोग करेंगे, दिन सामान्य होगा, उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, किस्मत का साथ मिल सकता है, हेल्थ सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से चली आ रही शारीरिक परेशानी के कारण दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, ताजगी और स्फूर्ति भी रहेगी। कन्या पॉजिटिव, मन में नए कामों की उमंग रहेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होने के योग है, यात्रा हो सकती है, आज आप मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं, दोस्तों से सहयोग मिलेगा, नए विचार मन में आ सकते हैं, आसपास या साथ के लोगों से फायदेमंद सलाह मिल सकती है, कई तरह के विचार भी दिमाग में चलते रहेंगे जिनसे आपको फायदा हो सकता है, करियर में किसी नई योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव, पैसे संभाल कर रखें, किसी तिकड़म के प्रयोग में आप सावधान रहे, इधर की बातें उधर करने से बचें, अपनी बातें भी लोगों से शेयर ना करें, सावधान रहे। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा होने से थोड़ी परेशानी भरा दिन भी रहेगा, थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है, क्या करें, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं। लव लाइफ के लिए दिन अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण वादे निभाने का दिन है, करियर अधिकारी वर्ग का सहयोग मिल सकता है, रुका हुआ पैसा वापस आने के योग है, स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, हेल्थ सेहत भी पहले से ठीक रहेगी, लेकिन काम में मन नहीं लगने से परेशान रहेंगे। तुला पॉजिटिव, किसी मामले को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति चल रही थी तो दोस्तों की मदद से उससे छुटकारा मिल सकता है, आज आप अपने कामकाज पर ध्यान दें, इससे आपके अधूरे काम भी समय पर निपट सकते हैं, कुछ जरूरी मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल हो सकते हैं, स्टाइल और तौर तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है, महत्वपूर्ण लोगों से भी आपकी मुलाकात होने के योग है। नेगेटिव, आप कोई ऐसा फैसला ना लें जिसका असर लंबे समय के लिए होना हो, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन पर आपका नियंत्रण ना के बराबर रहेगा, उनके कारण आप टेंशन में आ सकते हैं, दिन भर मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जिसके कारण किसी खास मामले में कंफ्यूजन बढ़ सकता है, काम को लेकर आपके मन में तनाव और अशांति भी हो सकती है, जोखिम भरे काम आज टालने की कोशिश करें, क्या करें, तिल खाएं। लव पार्टनर से सहयोग और सुख मिलेगा, वादे और नए कामों की प्लानिंग होगी, करियर बिजनेस में कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू होने के योग बन रहे हैं, स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा, इस राशि के लोग प्रमोशन के लिए कोई ना कोई तरकीब लगा सकते हैं, हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक पॉजिटिव, चंद्रमा के कारण धन लाभ के योग बन रहे हैं, खरीदारी हो सकती है, कोई रोचक खबर भी आज आपको मिल सकती है,
आपको देखकर दूसरे लोग अपने जीवन में सुधार के लिए प्रेरित होंगे। आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने और बातचीत करने की इच्छा हो सकती है। इससे आपको फायदा होगा। कई तरह के मामलों पर बात करने के लिहाज से अच्छा दिन है। कुछ बहुत रोचक बातें भी आज आपको पता चल सकती है। किसी के साथ विवाद में ना पड़े, कामकाज में भी खूब मन लगेगा। आपका उत्साह भी बढ़ेगा, घर का माहौल भी ठीक रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ सकती है। नेगेटिव, आप अपने मूडी स्वभाव पर नियंत्रण रखें। लगातार भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, अचानक मन में बदलाव से नुकसान हो सकता है। भाइयों और दोस्तों से भी अनबन होने की संभावना है। क्या करें, किसी मंदिर में सफेद मिठाई दान करें। लवलव कपल के लिए दिन अच्छा है, पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। करियर, ऑफिस में विवाद की स्थिति बन सकती है, शांति से काम लें, स्थिति संभल जाएगी। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सावधान रहे। धनु, पॉजिटिव, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के मौके आज आपको मिल सकते हैं। कंफ्यूजन खत्म होगा, अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है, कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपने पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला किया तो वह मामला फिर उठेगा। पैसों की स्थिति पर बारीकी से विचार करना होगा। नौकरी बदलने का विचार भी दिमाग में रहेगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं भी चरम पर रहेंगी। बिजनेस में कोई नई योजना बनाएंगे तो आपके इरादे भी साफ हो जाएंगे। नेगेटिव, कुछ कामों में फालतू पैसा खर्च हो सकता है। आज आप ना कोई बड़ा खर्चा करें, ना ही ऐसा कोई वादा करें। किसी से किया गया कोई बड़ा वादा आपको परेशानी में भी डाल सकता है। क्या करें, मुनक्का दाग खाएं। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, प्यार और सहयोग भी मिल सकता है। करियर, नौकरी और बिजनेस में अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मकर, पॉजिटिव, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। इसका प्रयोग अपने महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करें। जो महत्वपूर्ण मामला पेंडिंग है उसका कोई समाधान भी निकल जाएगा। कुछ परेशानियां भी आज खत्म हो सकती है। संतान से आपको सहयोग मिल सकता है, आर्थिक मामले भी सुलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखद रहेगा, कामकाज भी ज्यादा हो सकता है। दिन भर आप बिजी रहेंगे, लेकिन इससे आपको ही फायदा हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और उनसे आपको सहयोग मिल जाएगा। नेगेटिव, नौकरी और धंधे में रुकावटें आज भी रहेगी, काम करने वालों को आपसे जलन हो सकती है। बिजनेस में लेन देन के मामले उलझ सकते हैं। ऑफिस में किसी तरह का विवाद होने के योग बन रहे हैं। कोई आपके काम या काम करने के स्टाइल का गलत मतलब भी निकाल सकता है। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, आपका मन कमजोर हो सकता है और सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। बोलचाल, स्वभाव और चिड़चिड़ाहट पर काबू रखें। जवाबदारी और होड़ में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। दोस्तों और भाइयों से सहयोग कुछ कम ही मिल पाएगा। क्या करें, मुट्ठी चने की दाल किसी मंदिर में दान करें। लव, आज पार्टनर से किसी भी तरह की जबरदस्ती ना करें तो ही अच्छा है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दें। करियर, बिजनेस में जोखिम ना लें। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है, ध्यान रखें। कुंभ, पॉजिटिव, व्यस्तता भी ज्यादा रहेगी, किसी भी चुनौती को संभालने के लिए तैयार रहेंगे। महत्वपूर्ण काम खुद निपटाने पड़ेंगे। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है, आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका सम्मान होगा और आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। इससे आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। लोग आपकी बात समझने के लिए तैयार रहेंगे, आसपास के लोग आपकी भावनाओं की भी कद्र करेंगे। किसी समस्या का समाधान आज हाथों हाथ मिल सकता है, आप धैर्य रखें और एक एक करके सारी चीजें सुलझाएं। नौकरी धंधे के लिए दिन सामान्य रहेगा,
संतान की उन्नति से खुशी बढ़ेगी, बिजनेस में नई योजनाओं पर काम होगा, जीवन साथी आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें, अच्छे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। नेगेटिव जल्दबाजी या जोश में आकर लोगों से ऐसे वादे कर सकते हैं जिनको निभाना आपके लिए कठिन है। कुछ लोगों से बहस भी हो सकती है। आने वाले दिनों को लेकर किसी बात को लेकर टेंशन भी हो सकती है। क्या करें, पान खाए? लव आप लव प्रपोजल भेज सकते हैं। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है। करियर बिजनेस के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। नए एग्रीमेंट अभी ना करें तो ही अच्छा है। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हेल्थ मौसमी बीमारियां हो सकती है, सावधान रहे। मीन पॉजिटिव रुके काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। आज आप फल भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें देखने लायक होंगी। बड़े लोगों और पब्लिक से संबंध बना कर चले। आज आपको नई जिम्मेदारी या पद मिलने के योग बन रहे हैं। आप व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। पैसों से जुड़े नए सौदे भी हो सकते हैं। ऑफिस के काम में कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। बिजनेस करते हैं तो कोई नया निवेश होने के योग है, वह भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। नए लोगों से दोस्ती या मुलाकात होने की संभावना बन रही है। दोस्तों से संबंध सुधर जाएंगे। योग्यता और अनुभव से काम पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग और प्रोत्साहन मिल सकता है। नेगेटिव मीन राशि के लोग बिजी रहेंगे। आज आपको अपनी इच्छाएं माननी पड़ेंगी। जो काम आपको पसंद नहीं, ना चाहते हुए वो ही आपको करने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में आपका मूड जल्दी खराब भी हो सकता है। किसी का गुस्सा किसी और पर निकालने से आपके संबंधों पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। क्या करें, दूध पीकर थोड़ा सा पानी पिए। लव आपके मन में सकारात्मक विचार आते रहेंगे, लेकिन लव लाइफ में समस्याएं बनी रह सकती है। करियर ऑफिस में खुद को नियंत्रण में रखें। विवाद होने के योग बन रहे हैं। पद लाभ का योग भी बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों से मदद मिल सकती है। हेल्थ सेहत भी कमजोर हो सकती है। रक्त विकार होने के योग बन रहे हैं।